मुझे सबसे पहले तो आप सबका यहाँ आने पर स्वागत है, और जो कष्ट हो रहा है इस समय जगह की तंगी के कारण, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे सौभाग्य मिला अपने चुनाव अभियान को समाप्त करने के बाद, 24 के बाद से मुझे अवसर मिला और सौभाग्य था मेरा कि मैं पूर्वांचल में पार्टी की ओर से गया और पूर्वांचल में बहुत व्यापक भ्रमण किया प्रमोद तिवारी जी के साथ, और विभिन्न हमारे और नेता वहाँ पहुँचे हुए थे, और हमारा जो केंद्र था वो वाराणसी बनारस, और वहीं से पूर्वांचल में गए और वाराणसी में भी काफ़ी समय दिया, और इसलिए क्योंकि आप लोगों को विशेष रुचि वाराणसी के चुनाव में है, इसलिए कुछ मैं आपसे अवश्य वाराणसी के बारे में कहना चाहूँगा। पहली बात यह है कि बहुत सारी वहाँ से जो वहाँ से समाचार जो आ रहा है, समाचार पत्रों में है, आपके चैनल्स पे भी आ रहा है, मैं बड़े सम्मान से ये कहना चाहता हूँ कि वो बहुत छोटी छोटी वहाँ की चित्र लोग दिखा रहे हैं और उससे ये समीक्षा कर रहे हैं कि यही वहाँ के धरातल पर यही वास्तविकता है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं गंगा के किनारे जितने बहुत बड़े बड़े मोहल्ले हैं, 6-7 किलोमीटर वहाँ पर पैदल यात्रा मैंने करी अजय राय जी के साथ, और वहाँ के प्रमुख स्थान, वो स्थान जो मान लीजिए कि धर्म से जुड़े हैं या धार्मिक व्यवस्था से जुड़े हैं या उन लोगों के साथ जुड़े हैं जो आते हैं तीर्थ स्थान पर आते हैं और वहाँ आस्था के साथ पहुँचते हैं, उन लोगों से बहुत विस्तार से बात करने का, उन लोगों के साथ बैठकर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ, और अवश्य ही मेरा मनोबल बहुत बढ़ा देखकर कि जो प्रयास किए जा रहे थे कि वाराणसी का ध्रुवीकरण हो, वहाँ के समाज का ध्रुवीकरण हो, उसको नकार दिया है वहाँ की जनता ने, संपूर्ण जनता ने उसको नकारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और वहाँ वो लोग जो परंपरागत रूप से 2-3 पीढ़ियों से विभिन्न प्रांतों से आकर बस गए हैं बनारस में, वहाँ बंगाल से भी लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं, वहाँ हमारे दक्षिण के भी बहुत सारे साथी हैं, महाराष्ट्र के बहुत सारे साथी हैं, जो 3-3 पीढ़ियों से वहाँ बसे हैं और वहीं पर जीवन उनका आगे बढ़ा है, उन सभी के साथ विस्तार से भेंट हुई। कुछ समय वहाँ के जो सरदार जन हैं, सरदार मतलब जो वहाँ बुनकरों के सरदार माने जाते हैं, कई मोहल्लों का एक सरदार होता है, और जिनकी जिनके नेतृत्व में और जिनके परामर्श से सभी लोग वहाँ के जीवन के निर्णय लिया करते हैं, जो लोग बुनकरी से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में भी बहुत विस्तार से बैठकर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ, और बड़े विश्वास के साथ मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि सभी वर्ग वहाँ के, बनारस के सभी वर्ग इस बात के लिए संकल्पित हैं कि उनके बीच में कोई दरार नहीं पड़ सकती, ध्रुवीकरण उनका नहीं कोई कर सकता, कोई संकीर्ण सोच का आदमी जाकर वाराणसी का जो विशेष एक किरदार है और विशेष जो वाराणसी की तस्वीर है गंगा जमनी तहजीब की, कि उसमें कोई जाकर कोई प्रश्न चिन्ह लगा सके। और सौभाग्य ये है कि वो लोग जो मंदिर और मस्जिदों से वहाँ जुड़े हैं, वो लोग भी एक स्थान पर एक ही साथ मिल बैठकर वहाँ के भविष्य की चर्चा हम लोगों के साथ कर रहे थे, ये हमारे लिए एक विशेष सौभाग्य का विषय है। एक प्रश्न मैंने वहाँ उठाया और मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, वो दावा किस बात का भी करें, जो प्रमुख नेता हैं वहाँ से चुनाव लड़ने आए हैं, बाहरी नेता वहाँ से चुनाव लड़ने आए हैं, और कोई ये प्रश्न पूछे कि वो वाराणसी आखिर क्यों आए, इसका जवाब उन्होंने स्वयं एक ही बार दिया
एक ही बार दिया, जब वो नामांकन के लिए आए थे तो उन्होंने इसका एक ही बार जवाब दिया कि ना किसी ने भेजा है और ना मैं आया हूँ, मुझे माँ ने बुलाया है, माँ अर्थात माँ गंगा ने बुलाया है।